मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने दशकों तक दिल्ली में सरकार चलाई है। देश के कोने कोने में उन्हीं का राज था। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस के सिवाय किसी का झंडा ही नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को सिर्फ झूठे नारे दिए। अगर आज मेरे 10 साल के सेवा काल में इतना काम हो सकता है तो उनको तो 5-5, 6-6 दशक मिले थे, वो कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? लेकिन उनको अपने जेब भरना, घर भरने के सिवा कोई काम ही नहीं था। 5 दशक से कांग्रेस बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे, 50 साल से क्या बोल रहे हैं, गरीबी हटाएंगे। तो भी कब तक ये गाना गाते रहोगे? कहीं से तो हटाओ। गरीबी हटाएंगे कहते कहते कांग्रेस के नेता खुद हर साल और अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं। पहले साइकिल पे चलते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं। जबकि ये भाजपा सरकार है जो गरीबी हटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। आपका ये मोदी गरीबी से ही निकल करके आया है। एक गरीब के बेटे को आपने यहां तक पहुंचाया है। मैं गरीब का दर्द भली भांति समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को जिया है। मैंने गरीबी को भाषण में नहीं सुना है, अखबार में नहीं पढ़ा है, किताबों में नहीं पढ़ा है। मैं गरीबी झेल करके आया हूं। जब कोरोना का संकट आया तो सारी दुनिया मौत से मुकाबला कर रही थी। दुनिया का कोई देश नहीं था जो लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझते न हो। सारा दुनिया का जीवन ठप हो गया था, हमारा देश भी बचा नहीं था। और तब जाकर के मैंने तय किया था, मुसीबत बहुत बड़ी है, दिन रात दौड़ूंगा, जागूंगा, मेरे देश को बचाऊंगा, मेरे देश के लोगों को बचाऊंगा। याद कीजिए वो संकट के दिन, याद कीजिए अपने रिश्तेदार भी घर तक आने के लिए हिम्मत नहीं करते थे, उस समय ये मोदी दिन रात आपके लिए दौड़ता था, काम करता था। मैं सोचता था बाहर कारोबार नहीं है, लोग घर के बाहर जा नहीं पा रहे हैं, मेरे आदिवासी बच्चों का क्या होगा, मेरे गरीब बच्चों का क्या होगा, क्या मेरे देश में मेरा गरीब का बच्चा भूखा सो जाएगा, मेरे आदिवासी का बेटा बेटी भूखे सो जाएंगे। मैंने उसी दिन तय कर लिया था, सरकार के भंडार खोल दूंगा लेकिन गरीब का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। अनाज के भंडार खोल दिए थे, इतना लंबा समय हो गया, आज भी गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है ताकि उनका चूल्हा जलता रहे। भाइयों बहनों, मुझे मेरे देशवासियों ने इतने आशीर्वाद दिए, इतने आशीर्वाद दिए। और जब गरीब के पेट में अन्न जाता है ना, गरीब का बच्चा जब भूखा नहीं सोता है ना, तो उसके आशीर्वाद हमारी जमीन पर भी नजर आते हैं, हमारी फसल में भी नजर आते हैं, और हमारा किसान भी पैदावार ज्यादा करता है। और इसलिए मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, बहुत बड़ा फैसला किया है। मैंने निश्चय कर लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। ये योजना यूं तो दिसंबर में पूरी होने वाली थी। 80 करोड़ परिवारों को जो आज अनाज मिलता है,
वो दिसंबर में पूरा हो जाने वाला था, लेकिन ये आपका बेटा आपके लिए ही जीता है और इसलिए हमने तय किया है आने वाले 5 वर्ष के लिए उन सभी परिवारों को, उन सभी परिवारों को मुफ्त में राशन मिलेगा। आपके मोबाइल की लाइट चालू करके गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। गरीबों के कल्याण के लिए आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए। सब लोग अपना मोबाइल निकालिए। ये गरीबों के कल्याण का निर्णय है। ये गरीबों के बच्चों को रात को खाने पिया न सो जाए इसके लिए निर्णय है। आप अपना लाइट चालू करके इसका समर्थन कीजिए। ये गरीबों की भलाई के लिए हुआ काम है भाइयों बहनों। आपका ये प्यार और ये गरीबों के लिए आपका प्यार, ये आपका गरीबों के लिए प्यार है, मेरे आदिवासी बच्चों के लिए प्यार है, आपका ये समर्थन, यही मेरी ताकत है भाइयों बहनों। बोलो मेरे साथ भारत माता की, मेरे साथ बोलो भारत माता की। हमारे देश में अब किसी गरीब का बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कोई माँ बहन बेटी भूखी नहीं सोएगी।